आप सभी को नमस्ते, मैं रवि कुमार कुछ ताजा खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिला संस्कृति भवन में दुलदुली महोत्सव की सोविनर कमेटी बैठक का आयोजन किया गया था। झारसुड़ा एसएमसी कारखाने में एक्सीडेंट में मरने वाले श्रमिक के परिवार को कंपनी की ओर से 10 लाख रुपए मुआवजा दी गई। रेंगाली थाना अंतर्गत पंचगांव रोड पर नरेश साह और शुभम महापात्र पर हमला होने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई। पुलिस एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। झारसुड़ा टाउन के हटलीपाड़ा में हजरत सईद बाबा वार्षिक उरुस मुबारक कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिला प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर 14 से 18 तारीख तक आयोजन होने वाले पलसरी मेला के लिए एक तैयारी बैठक जिलापाल सरोज कुमार शामल की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। बनरपाली थाना अंतर्गत कीर्तिमल और रेमता पंचायत में मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार और लोगों को उनके पैसा नहीं देने की शिकायत लोगों ने कंडी केला आउटपोस्ट में दर्ज करवाई। ओरियंट थाना अंतर्गत गजपति नगर में रहने वाले प्रकाश दास के घर का ताला तोड़कर बदमाशों ने कई सारे सामान चुरा लेने की शिकायत ओरियंट थाने में दर्ज करवाई गई। लखनपुर थाना अंतर्गत कुडालोई गांव के सुरेंद्र साहू के घर से किसी ने चोरी कर लेने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई। बड़वाल थाना अंतर्गत बिजू पटनायक चौक पर एक व्यक्ति को एक ट्रक पीछे से टक्कर मारने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें स्थानीय लोगों ने उद्धार करके जिला मेन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। केंद्र सरकार लेकरा और किरमरा ब्लॉक को टीएसपी ब्लॉक के रूप में घोषणा करने के कारण सम्मिलित आदिवासी समाज झारसुड़ा की ओर से पदमपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद दिए। झारसुगड़ा से भाग रहे एक माइनर बच्ची को आरपीएफ झारसुड़ा के द्वारा रेस्क्यू करके चाइल्डलाइन के हवाले किया गया। पुन्नावस्ती की रहने वाली जयंती दुबे 2 दिनों से घर से लापता होने की खबर थाने में दर्ज करवाई गई। श्री जगदम्बा ज्वेलर्स एन एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी आई कैचिंग डिजाइंस विथ 100% प्योरिटी गारंटीड गेट अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नमेंट्स विजिट आवर स्टोर टुडे श्री जगदम्बा ज्वेलर्स मेन रोड झारसुगुड़ा वी आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू इन साई बिहार रोड सुंदरगढ़।